सिंदरी थाना के अंतर्गत जायसवाल बिल्डिंग के ठीक नीचे करियर पॉइंट के संचालक एवं जन अधिकारी मंच के अध्यक्ष व रोटरी क्लब के रंजीत कुमार पर गोली चलाई गई। कुमार के मुताबिक धड़ाधड़ 4 गोली चलाई गई, जिसमें दीपक नाम युवक जो रंजीत कुमार का स्टाफ था उसके पांव पर गोली लग गई। रंजीत कुमार बाल बाल बच गए। रंजीत कुमार के मुताबिक वह अपने कार्यालय से उतर कर घर जाने के लिए कार में सवार होने वाले थे, तभी भाजपा नेता राकेश तिवारी दिखाई दिए, जिससे वह बात करने लगे। अचानक से एक बाइक पर 2 लोग सवार आए और फायरिंग कर चलते बने। घायल स्टाफ दीपक कुमार को तत्कालीन चासनाला अस्पताल भेज दिया गया, जहां से उसे धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह पहुंचे और उन्हें DSP प्रमोद केसरी को दूरभाष पे जानकारी दी गई। अभी प्रमोद केसरी वहीं मेडिकल में लगे CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं, जिससे अपराधियों का कोई सुराग मिल सके। पहले से नीचे उतरकर घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा, उसी समय भाजपा नेता राकेश तिवारी मेरी गाड़ी के पास आया। हम दोनों बात करने लगे, मैं अंदर ही बैठा था जेनी सीट में, और तभी एक बाइक से सवार 2 व्यक्ति, पीछे बैठा हुआ आदमी कुछ बोलते हुए कि बहुत हीरो बनते हो, ऐसे बनते हो करके, और फायरिंग गाड़ी की तरफ कर दिया। उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक पीछे वाला डोर में एक गोली लगी है, एक आगे का बोनट में लगा है, और वहाँ से मौके से 3 गोली बरामद हुई। मेरा स्टाफ भी एक वहाँ पे था, दीपक रजक करके, 4 गोली बरामद हुई है। मेरा एक स्टाफ था वहाँ दीपक रजक करके, उसके पैर में गोली लगी, तो उसको चासनाला प्राथमिक स्वास्थ्य पहचानने, चूँकि अंधेरा था इसलिए देख नहीं पाई थी। कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं है। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे और गोली चलाने के बाद आई है। अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं, नज़दीकी CCTV फुटेज भी देखा गया है, उसमें भी कुछ स्पष्ट हो रहा है और आगे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं।